अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है दोस्तों, तो असफलता कभी भी आपको डरा नहीं सकती, कभी भी आपको डरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि के लिए, हाँ जी सही, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंह राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा नहीं, जो भी आप जानना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में, और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय क्या फॉलो करने चाहिए आपको। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कोई भी अगर कमेंट्स में रिप्लाई करता है ना अगर आपके, तो चेक कर लेना पहले, वो स्कैम होता है। चलिए आप ध्यान से सुनना होगा आपको। जब अक्टूबर 2023 शुरू होगा तो सिंह राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस में विराजमान है शुक्र, तो आपके सेकंड हाउस में है सूर्य, बुध, मंगल। आपके थर्ड हाउस में विराजमान है केतु, तो सप्तम भाव में है शनिदेव, तो आपके नवम स्थान में है राहु के साथ में गुरु। आप ध्यान से सुनना, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक है? जो जैसा है वैसा बताऊंगा आपको, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जैसा है वैसा। राशि के स्वामी कौन बनते हैं आपके? सूर्य। और कहां पर विराजमान है? विराजमान है सेकंड हाउस में, लेकिन 17 अक्टूबर को तीसरे घर में परिवर्तन कर लेंगे। तीसरा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। जब 17 अक्टूबर को सूर्य तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, वो भी नीच के, हालांकि सूर्य तीसरे घर में अच्छा फल देते हैं लेकिन नीच के हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य में सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, हेडक का ध्यान रखना है। दूसरा, आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं, स्मॉल ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर खाने पीने का और अपने स्वास्थ्य का पहले से ही आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, ठीक है? और एक हेडक और एक आंखों में जलन होना, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ऐसे कोई मुझे मेजर इशू नहीं दिख रहा है आपके राशि के अनुसार। आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2023? फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट फॉर स्टडीज, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, और पंचम के मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति राहु के साथ में है नवम स्थान में और पंचम भाव को देख रहे हैं नौवीं दृष्टि से। जब गुरु की दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है पंचम भाव में, तो आप चाहेंगे इस महीने कि मैं कुछ बड़ा करूं, अच्छा करूं, और पढ़ाई में कुछ मैं आगे बढ़ने की सोचूं, और करेंगे भी। हाँ, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप कोई फॉर्म फील कर सकते हैं, आप किसी कंपटीशन में जा सकते हैं, आप अपने पढ़ाई को लेकर कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं, कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, और आपको फायदा हो सकता है। लेकिन राहु जो ये गुरु के साथ में है ना, किसी के बहकावे में ना आए, और किसी के कहने पे ना जाएं आप, किसी की बातों पर ना आए आप अपनी पढ़ाई को लेकर। जो आप करना चाहते हैं अपने दिल की सुनो, वो करो, बहुत अच्छा रहेगा। एडमिशन भी है, अगर एग्जाम भी है आपका इस महीने, तो गुरु अच्छी जगह पर बैठे हैं, लेकिन भ्रमित नहीं होना आपको किसी की बातों पर, वो प्रॉब्लम होगी आपको। वहीं आपका प्रेम प्यार, लव रिलेशन कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में? राशि के मालिक बनते हैं सूर्य, सूर्य तीसरे घर में आएंगे और गुरु का कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्य गुरु दोनों की दृष्टि परस्पर एक दूसरे पर है। 17 अक्टूबर के बाद वापस से पैचअप होने की संभावना है, संभावना है, वापस से बातचीत होने की संभावना है, वापस से जो फीलिंग्स हैं, मन सोजातक, जब आपके मन में फीलिंग्स आती हैं, चीजें आती हैं, तो आप केयरिंग हो जाते हैं, वाइब्स आपको पॉजिटिव मिलने लग जाती हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद दिख रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स बढ़ जाएंगी और कनेक्टिविटी यानी कि अटैचमेंट बढ़ जाएंगी। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य गुरु को देखेंगे और गुरु सूर्य को देखेंगे, दृष्टि पड़ेगी एक दूसरे पे, अच्छा रहेगा। वहीं बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन, सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट फॉर मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के मालिक बनते हैं शनिदेव, और अपने घर में सप्तम भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वर्तमान में, अच्छा है। शनिदेव जब अपने घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुछ भी कर लो, मैरिड लाइफ को शनिदेव खराब नहीं होने देंगे, बिल्कुल। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी होगा, मनमुटाव होगा, लेकिन शनिदेव वापस से एक अटैचमेंट, एक केयरिंग, एक फीलिंग्स लेकर आएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शनिदेव मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में सक्षम रहेंगे यहां पे, लेकिन जिद आपके अंदर रहेगी,
सिंह राशि हैं आप, तो वो तो बाय बॉर्न है सिंह राशि के अंदर, यानी कि जन्म से ही है। झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, तो झुकना तो पड़ेगा कहीं कहीं पे। अगर नहीं झुकेंगे तो अहंकार सर्वनाश की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है? तो थोड़ा तो झुकना पड़ेगा आपको, लेकिन ये मैरिड लाइफ में सिंह राशि के साथ में थोड़ा बहुत देखा जाता है, क्योंकि सिंह राशि आपके और सप्तंग, सप्तंग के मालिक है शनि, 36 का आंकड़ा रहता है शनि और सूर्य देव का, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन शनिदेव मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में सक्षम रहेंगे। बताना मुझे किस किस की मैरिड लाइफ में सिंह राशि वालों के मनमुटाव थोड़ा ज्यादा रहता है। वहीं बात करें आपके भाग्य की, करियर की, बिजनेस की, सबसे महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, भाग्य स्थान के मालिक कौन बनते हैं आपके? भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं मंगल ग्रह और करियर के विनस यानी कि शुक्र ग्रह। भाई देखो, मंगल जो है ना वो तीसरे घर में प्रवेश कर लेंगे तुला राशि में। कब करेंगे? शुरुआती में कर लेंगे, 3 अक्टूबर को कर लेंगे। तो मंगल की जो दृष्टि है भाग्य में पड़ेगी तो सही, लेकिन मंगल तीसरे घर में कुछ ज्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। जब मंगल तीसरे घर में प्रवेश करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन 50-60% कोई ज्यादा खास नहीं। लेकिन लेकिन जब मंगल ग्रह वृश्चिक राशि 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कब? नवंबर में, तो वो बहुत अति उत्तम रहेगा आपके लिए। यानी कि कुछ भी चीज लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अक्टूबर को छोड़ के नवंबर में लीजिएगा, मिड अक्टूबर, मिड नवंबर के बाद अति उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल अपने घर में प्रवेश कर लेंगे वृश्चिक राशि में। हाँ, अक्टूबर का महीना मैं कहूंगा कि ये एक एवरेज है, 50% एवरेज है। भाग्य थोड़ा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि थोड़ा भागना दौड़ना पड़ सकता है, एफर्ट्स लगाना पड़ सकता है आपको, लेकिन फिर चीजें मिल जाएंगी आपको। करियर की बात करूं तो शुक्र जो है वो 10th लॉर्ड होके 1st हाउस में कनेक्शन बना रहे हैं, पहले घर में बैठे हैं आपके राशि पर। जब शुक्र 1st हाउस में है तो काम, जब 10th लॉर्ड खुद 1st हाउस में आ गए तो काम आपके पास खुद आएगा और अच्छे से आएगा, अच्छे से करेंगे और कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र है अपने घर में, शुक्र है 1st हाउस में। अगर शुक्र 12वें घर में होते तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता, मन नहीं लगता काम में आपका, आप अपने काम को नहीं करने में थोड़ा सा आप आलस्य दिखाते, काम टालने की कोशिश करते। लेकिन शुक्र 1st हाउस में तो आपके पास काम आएगा, आप काम को करेंगे पॉजिटिव तरीके से करेंगे, हो सकता है कि तारीफ हो जाए, अचीवमेंट्स मिल जाए, प्रमोशन के योग भी बन जाए और कोई रास्ता खुल जाए, क्योंकि शुक्र 1st हाउस में है। हाँ, सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं 17 अक्टूबर को, थोड़ा मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो फॉलो कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ये कॉन्फिडेंस में कमी कर देता है, और कभी कभी जो आपको प्रेजेंट करना है, जो आपको प्रेजेंट करना है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है? तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। वहीं अगर आपके बिजनेस की बात करें तो 7th लॉर्ड शनि, शनि अपने घर में बैठे हैं। जब आपका शनि अपने घर में है तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, व्यापार में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, खासकर लोहा, खासकर ऑयल एंड गैस, खासकर कारखानों में काम करते हैं, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, जो है टूर एंड ट्रेवल का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, जमीन से जुड़कर काम है, तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे आपके लिए, अपना व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, डेली इनकम में वृद्धि होगी, नया काम मिलने की संभावना है। क्या उपाय करने चाहिए सिंह राशि को? बहुत अचूक उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, सबसे अच्छा, किंग ऑफ प्लेनेट सूर्य देव को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे से उगते सूर्य को। दूसरा, सूर्य देव का बीज मंत्र फॉलो कर लीजिए, ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार, 108 बार। मंगल का बीज मंत्र फॉलो कर लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 बार, रोजाना सुबह सुबह। और हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो कर लीजिए, फिर देखना आपको सफलता आपके हाथ में। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।